चिली चिकन, इसकी रेसिपी के साथ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता रही हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिली चिकन। चिली चिकन की जो मुझे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायरमेंट है ये है प्याज, प्याज का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, स्प्रिंग ऑनियंस, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, हरी मिर्च, रेड चिली पेस्ट, विनेगर, सोया सॉस, चीनी, नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसको मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए आप 1/2 बाउल विनेगर डालिए, विनेगर 1/2 कटोरी, सोया सॉस, ब्लैक सोया सॉस मैरिनेशन के लिए, प्याज का पेस्ट, ऑनियन पेस्ट, गार्लिक पेस्ट आपको इसमें ज़्यादा चाहिए, अराउंड 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, और ये रेड चिली पेस्ट आप अपने अंदाज से लेंगे कितनी आपकी चिली की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बाद में हमें और ज़रूरत पड़ेगा। सॉल्ट अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, आपको अपने अंदाज में देना है। अब इनको आपको मैरिनेट करके 1/2 आवर रखना होगा। देखिए मैंने मैरिनेट कर लिया है, मुझे लगता है और 2 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल देती हूँ। अब आप इसको 1/2 आवर मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। मस्टर्ड ऑयल अभी स्मोकिंग पॉइंट में आ गया है, मैं मस्टर्ड ऑयल से कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो वाइट ऑयल से करें। पहले प्याज को मुझे लाल भून कर इसको फ्राई करना है, प्याज और ये हरी मिर्च, ये दोनों मैं भून के इनको अलग से रख दूँगी। देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्च को भून के रख दिया है। अब मैं जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको मैं अभी तेल में भूनूंगी। आप डायरेक्ट हाथ से मत उठाइए, एक स्पून लेकर धीरे धीरे उसमें आप सोते रहिए। देखिए अगर छींटा आए तो आप अपने साथ ये जो कवर है हर समय लीजिए, कवर से आपको ये करना है, इसको ढकना है और ऐसे धीरे धीरे एक एक करके डालकर आपको फ्राई करना है। देखिए इसमें से बहुत अभी पानी आएगा, तो आपको इसको अच्छी तरह पानी सुखाकर फ्राई करना होगा। देखिए आपका पूरा पानी अब सूख चुका है। अब आप अपने अंदाज से, पहले आपने 1 टीस्पून दिया था, सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो आपने टेस्ट थोड़ा सा आप करके फिर उस अंदाज से फिर आप थोड़ा सा और नमक डालेंगे, और 1 टीस्पून आप चीनी डालेंगे, फिर आपने जो स्प्रिंग ऑनियंस काट रखे थे उनको भी आपको डालना है इसमें, और इसको भूनना है आपको। स्प्रिंग ऑनियन डालिए, फिर आपको इसको भूनिए, एंड 1 टीस्पून आपका ये जो काली मिर्च है वो भी अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, कम ज़्यादा आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, फिर इसको आप अच्छी तरह भी फ्राई कीजिए आंच को बड़ा करके। आपने स्प्रिंग ऑनियन डाल लिया है, इसके साथ जो आपने भुना हुआ प्याज और आपकी हरी मिर्च है सब इसके अंदर डालना है, इसको डालकर अच्छी तरह मिक्स कीजिए। फ्रेंड्स
ये खाना पकाते समय ये वीडियो काफ़ी शेक हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एक हाथ से मैंने अपना मोबाइल पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से बना रही हूँ, सो प्लीज़ आई एम वेरी मच सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगी आपको अच्छी तरह सारा पूरा वीडियो दिखाने के लिए आखिरी तक। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये चिली चिकन बन गया है, चारों तरफ से तेल भी निकल आया है, तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसको उतार लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप गार्निश कीजिए, ये स्प्रिंग ऑनियन से आप गार्निश कर दीजिए। आपका चिली चिकन बनके तैयार है, और ये जो काली मिर्च है इसको भी आप ऊपर से थोड़ा सा दे दी सकते हैं। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। अगर आपको पसंद आया आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मुझे। थैंक यू।